एक बच्चे का सवाल और मुझे जेन्युइन नजर आया है, वो पूछ रहा है ओलंपियाड। मैं मैथ्स ओलंपियाड की बात करता हूँ, नॉट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ओनली मैथ्स। तो स्टूडेंट ऑफ 11th एंड 12th आर लेट फॉर दिस, इसके लिए वो लेट हो चुके हैं, ठीक है। तो जिनको मैथ्स ओलंपियाड क्वालिफाई करना था उसके लिए जो समय था वो था 10th क्लास तक, ठीक है। अब आप ये डिसाइड करो कि आपको कोर मैथ्स पे जाना है या आपको IIT जाना है, किसी एक बात को डिसाइड करो। अगर तुम कोर मैथ्स करना चाहते हो तो तुम 11th 12th में कंटिन्यू करो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा गोल है कि मुझे किसी IIT में जाना है तो आपको इसे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये दो 180 डिग्री का दोनों में रिलेशन है ना। एक कहता है 3 घंटे में 6 सवाल करने खाली तुमको, ठीक है। दूसरा कहता है 1 घंटे में 20 questions, वो भी एक से टफ लेवल के, 1 or more इंटीजर टाइप, ठीक है। तो दोनों का नेचर बहुत अलग है ना। तो अगर दोनों को मिक्स किया ना तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लमेटिक, ठीक। तो जो बच्चे ओलंपियाड की तैयारी IIT के साथ करना चाहते हैं उनके लिए रिकमेंडेड इज फिजिक्स केमिस्ट्री, बिकॉज उसका सिलेबस भी मैच करता है, पूरा का पूरा सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री ओलंपियाड का JEE से मैच करता है। लेकिन जो मैथ्स ओलंपियाड है उसका सिलेबस बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, बिल्कुल डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट, ठीक है। तो ये तुमको क्लियर करना है वेदर टू गो फॉर JEE और टू गो फॉर प्योर मैथ्स, ओके।